तो भाई लोग फाइनली डुओ में कॉन्करर हो चुका है। उम्मीद नहीं थी कि इस सीजन हो पाएगा कॉन्करर डुओ में, भाई लोग कॉन्करर हो गया। मजा सा गया, 7.69 के केडी के साथ हो गया। किल रैंकिंग में मैं आपको 17-18 नंबर पे डुओ में दिख जाऊंगा एशिया सर्वर में। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के गेम प्ले की। तो भाई ये वो गेम है जो ओपी सा गया था, इसमें मतलब मेरे टीममेट ने बहुत ही सपोर्ट किया था। और ये देख लो जगह, सबसे पहले मैं इसी जगह पे उतर रहा हूँ जहाँ गैरेज हो, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। और गाड़ी मिल जाएगी तो आप लोगों को मालूम है कितना ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो फटाफट से यहाँ से लूट कर लेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ कि मतलब रैंक पुश का डुओ का प्लान कैसे बना, कि रेटिंग प्रोटेक्शन मिल रहे थे ना उसे में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि माइनस हो नहीं रही थी और प्लस ही प्लस हो रही थी। हम वहाँ से लूट करके आ जाते हैं ड्रॉप ड्रॉप लूटने, और ड्रॉप पहले से लूटेड रहता है तो मैं सोचता चलो चले। और यहाँ पर भाई किस्मत देखना, मेरे कुछ भी शॉट्स कनेक्ट नहीं होते, थोड़े बहुत होते, मतलब एक आध हेडवेड होता है और पता नहीं कहाँ से एक एम जाता है और बंदा नॉक हो जाता है। अब मैं मेरे टीममेट से बोल देता हूँ कि चलो फटाफट से रश कर दें, क्योंकि उस पर अगर अभी रश नहीं करते ना तो उसका टीममेट उसको रेव दे देता और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। बट यहाँ पर देखो उसका टीममेट उसके लिए स्मोक करता है और हम रश कर देते हैं। अब उसका टीममेट भी थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा जाता है कि उसको समझ नहीं आता है करे तो करे क्या। और क्लोज रेंज में मैं आजकल उजी प्रीफर कर रहा हूँ, भाई लोग इसको एकदम से यहाँ पर धर लेते हैं और मज़ा सा आ जाता है। स्टार्टिंग हो चुकी है अच्छे खासे किल्स से, मतलब 3 ही किल हुए हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो अभी और मज़ा आएगा। यहाँ पर मेरा टीममेट मार्क करता है बोट किल। अब बोट में तो इसलिए मार दे रहा है वो कि भाई मैं पुश कर रहा हूँ तो अभी ज़्यादा किल दूंगे तो ज़्यादा प्लस मिलेगी। और यहाँ पर भाई एक बंदा कैंप करके रहता है, बिल्कुल आइडिया नहीं हमको कि ये कहाँ से रहता है, वो तो किस्मत रहती है कि बच गए। ये भाई बकलोल इंसान अंदर चल जाता है, इसको यहाँ पर धर लेते हैं। अब ये केवल सोलो रहता है, इसके टीममेट का कोई ठिकाना ही नहीं, इसका टीममेट मिलेगा अब वो कन्फर्म नहीं है, इसका टीममेट था कि नहीं था, आगे एक बंदा मिलेगा। बट कोई नहीं, यहाँ पर इसको फटाफट से लूट कर लेते हैं और हम जई रहे रहते हैं। और मेरा टीममेट मार्क करता है कि राइट में बंदा है, रोक ले रोक ले। अब मैं जैसे ही रोकता हूँ देखो हम इवेंट खेल रहे हैं, और इवेंट की सबसे गजब की बात मालूम क्या है, ये आपको दे देता है ESP। अब बंदे की लोकेशन अगर आपको मालूम होगी तो बताओ भाई बंदा क्या बच पाएगा। यहाँ पर एकदम से बंदा दिख जाता है और ये भी डायरेक्ट किल हो जाता है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हाँ उसी का टीममेट होगा क्योंकि आसपास ही थे ये सब। यहाँ पर फटाफट से स्मोक करते देते हैं, स्मोक करके ही लूटो भाई लोग अगर कुछ भी लूट रहे हो ना। और यहाँ पर लूटते लूटते मेरे को फ्लेयर भी दिख जाती है, तो मैं फटाफट से मेरे टीममेट से बोल देता हूँ कि लूट कर लो फटाफट से, फ्लेयर पे जाना है। और यहाँ पर हम निकल जाते हैं फिर फ्लेयर की तलाश में। अब भाई लोग फ्लेयर पे हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो तो अलग बात है। मैं जा ही रहा रहता हूँ और मेरे को कहीं से गाड़ी का साउंड आता है, ठीक है। और अब लो भी देखना भाई, मेरे को पीछे से एकदम गाड़ी दिख जाती है। मेरी HP देखना भाई, बंदा बहुत अच्छा डैमेज देता है, मैं भी उसको बहुत अच्छा डैमेज देता हूँ, बट वो भी मेरे को काफ़ी मतलब एकदम लिट कर देता है। और एक तो बोलता है इनका पता नहीं कहाँ से क्या गोली कनेक्ट होती है ये भी, और वो उतर जाता है, मेरी तो मतलब व्यू में भी नहीं था। अब मैं चलो उसको कन्फर्म करने जा रहा रहता हूँ, मेरा टीममेट इतनी देर में कॉल दे देता है कि तू हील कर, मैं कन्फर्म कर दूंगा। तो मैं चलो हील करने लग जाता हूँ, उसका देखो दूसरा टीममेट जो है ना वो आगे रुकता है, वो मेरे टीममेट पे फायर दे रहा है, मेरे आसपास फायर दे रहा है, बट मेरे को नहीं मारता है। मैं यहाँ पर लकीली बच जाता हूँ जैसे तैसे, तो फटाफट से हील करके देखने की ट्राई करता हूँ उसको। फिर हम सोचते हैं कि चलो यहाँ से निकल लें, क्योंकि ओपन है और 8 किल हो गए और केवल 20 बंदे बचे हैं, ठीक है। तो चिकन अगर मिस कर देते तो मैं बता रहा हूँ 1 या 2 प्लस देते पबजी वाले। हाँ मतलब चिकन लेने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे किल्स पे प्लस नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो अभी तो बिल्कुल ही प्लस देते नहीं, या फिर माइनस भी और दे सकते थे। तो हम यहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं फटाफट से, और सामने भाई इसका टीममेट हमको दिख जाता है, और वो बंदा क्या गलती करेगा, वो गाड़ी रोक देगा और फायर देने लग जाएगा। मेरा टीममेट भाई चलती गाड़ी में उसको यहाँ से लपेट देता है, मेरे को विश्वास नहीं होता है कि मेरे टीममेट ने उसको मतलब इतनी चलती गाड़ी में इतनी स्पीड से उतार दिया। पर चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्लेयर पे। अब सामने रहती है नीचे फ्लेयर, बंदे में मेरे टीममेट को मार्क कर देता, और भाई बहुत गंदी पड़ती है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा पूरा देखो वेस्ट, आप देखोगे ना हालत, तो इतना गंदा डैमेज हो गया था। मैं बस यही प्रे कर रहा था कि जैसे तैसे तो अभी फटाफट हील कर लूं, क्योंकि अगर नॉक हो जाता तो मेरा टीममेट थोड़ा सा दूर रहता है मेरे से, बीच में मैं एक बंदे को नॉक कर दूं। भाई ये बंदों का मतलब अलग ही स्वैग है, आप देखोगे ना आगे तो मज़ा सा आ जाएगा। इसको जैसे ही नॉक करके मैं आगे एक और देखता हूँ, तो एक दूसरा बंदा दूसरी टीम का है जिसका टीममेट मेरा टीममेट नॉक करके मतलब फिनिश भी दे चुका रहता है। अब वो बंदा भाई मोसिन मार देता है। अब ये मोसिन का पता नहीं क्या सीन है भाई लोग, कुछ समझ नहीं आता कि कभी तो डैमेज मैं चलाता हूँ तो भाई इसका डैमेज मालूम नहीं बहुत कम कर देते हैं, और सामने वाले बंदे चलाते तो वो अलग बात है, इसने मेरे को डैमेज दिया था पहले से। यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे को फटाफट रेव दे रहा रहता है, और मैं सोचता हूँ कि चलो क्या ही रश करेंगे भाई बंदे, और भाई पर बंदे रश कर देते हैं, उन बंदों को डर नहीं रहता। अब ये देखो मेरा टीममेट जिसे उस पर फायर देता है ये पानी में गिरा देगा गाड़ी। अब ये ओपी सी चीज़ कर दी थी इसने, क्योंकि भाई दो बंदे पानी में जिन पर गन वन भी नहीं होगी तो उनको तो आराम से धर ही सकते हैं। यहाँ पर मेरे को बंदा एकदम स्पॉट हो जाता है, इसको डाउन करता हूँ और दूसरे बंदे को फायर वायर देने की ट्राई करता हूँ, बट वो उसको लगती नहीं और वो पानी में ही रह के निपट लेता है। भाई हम किल फीड में नाम देखते हैं तो पानी में रह के ही निपट लेता है। अब दूसरे बंदे पे दूसरे डुओ पे रश कर देते हैं। अब डुओ तो क्या ही रहता है, ये दूसरी टीम का रहता है सोलो बंदा।
मेरा टीममेट मेरे को कॉल देता है किंग नेड। अब वो बोलता उससे पहले तो भाई मेरा 2-3 सेकंड का नेड कुक हो चुका रहता है। यहाँ पर इस बंदे में फटाफट नेड फेंक दूंगा और इसको ईजिली निपटा दिया। मेरा टीममेट बोलता है यार मैंने भी नेड कुक करा था, तेरा मेरे से पहले कैसे कुक हो गया। बट मैंने एकदम से गाड़ी से एग्जिट करते से ही कुक करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम जा ही रहे थे और इवेंट पे ऊपर देखो बंदे दिखते हैं। अब मेरे टीममेट को तो पहले स्पॉट भी नहीं होता है और भाई पर स्पॉट देखो मेरे को हुए ठीक है और किल जाएंगे मेरे टीममेट को। मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ भाई। मैं बहुत ट्राई करता हूँ ओम से चिपकाने की बंदों को पर कोई सीन बन ही नहीं पाता। मेरा टीममेट को फिर जैसे ही दिखते और भाई मैं ओम को एकदम क्विक स्कोप लेने की ट्राई करता हूँ और मेरा टीममेट एक को नॉक दे देता है। अब मैं सबसे पहले उधर चल जाऊंगा और जो अपनी सोनिक स्कैन है इसको डाल दूंगा क्योंकि भाई ये मेरे को बताएगी उसकी लोकेशन कहाँ है बंदों की। अब यहाँ पर मैं उनके नीचे के नेट कुक कर लेता हूँ। अब दूर से भाई कहीं से कुछ बंदे को शॉट पड़ेगी, मेरे टीममेट को भी किल मिल जाता है उसका और उसके दूसरे बंदे को कोई और मार देता है। अब भाई मेरे को एक चीज़ तो मालूम है कि एक बंदा और यहाँ पर बचा हुआ है तो यहाँ पर प्रोन हो जाता हूँ मैं सबसे पहले। और देखो सबसे पहले अपना सोनिक स्कैन ले लो और अगर इवेंट खेल रहे हो ना तो सोनिक स्कैन जब तक आपको कोई बंदा नहीं बताए तब तक तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल कैम्प करके बैठे रहो। मेरा सोनिक स्कैन मेरे को बंदा बता देता है कि यहाँ पर है। अब भाई ये बंदे को मालूम चल जाता है देखो अपने ऊपर भी मार्क आता है ना तो इसको निकलने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को और कंफर्म कर देता है कि हाँ मैं उधर ही हूँ। मतलब चलो मैं सोचता एक बार का नोक बंदा है इसको छोड़ दें वोड़ दें कुछ तो करें पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 किल हो जाते और मेरे को था कि हाँ किल का तो लालच बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं फिर भी सोचता हूँ कि चलो यार लालच ही नहीं है पर ले ही ले, मतलब अगर दे रहे हैं पबजी वाले एक्स्ट्रा किल तो कर ही लेते क्या दिक्कत है। तो एक नेड में फेंक देता और भाई उसी नेड से बूम गाइस वो बंदा भी निपट लेता है। अब बंदे बचते हैं केवल और केवल 3 बंदे बचेंगे और मेरे को सामने गाड़ी स्पॉट हो जाती है। तो मैं मेरे टीममेट से बोलता हूँ भाई अब सामने तो बंदे मेरे को दिख गए, अब मैं फटाफट से इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा और उड़ के शू एकदम उस पर चल जाएंगे ठीक है। यही मेरा हमारा प्लान रहता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि हाँ मैंने सोलो का आप लोगों को से बोला था कि सोलो रिंकुश के वीडियोस बनाऊंगा बट यार भाई लोग देखो लालच सा दिख गया मेरे को। मतलब मेरा टीममेट आके बोलता है कि अब केवल 200 प्लस चाहिए तेरे को कॉन्करर के लिए फटाफट से कर ले। 200 तो नहीं चाहिए थी, लगभग 450 चाहिए थी कुछ बट वो प्लस करते 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 कब हो गई मालूम ही नहीं चलता है। तो यार थोड़ा सा उसका लालच आ गया तो इस वजह से कोई बात नहीं आपको डुओ के मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ और आप कैसे रैंक पुश कर पाओगे अगले सीजन या इसी सीजन अगर आप एस से ऊपर हो तो कॉन्करर कैसे कर पाओगे उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो कोई ऐसा सीन बात है नहीं। यहाँ पर मैं मेरे नीचे बंदे रहते मैंने फटाफट से नेट कुक कर लेता हूँ। भाई लोग दूर से मतलब क्या ही बोलूँ बंदे पे ओम रहती मोसिन रहती कौन सी गन रहती स्नाइपर रहती बस इतना मालूम है। वो शॉट चिपका देता है और वो पूरा हेड शॉट ऐसा चिपकाता है कि मैं इधर बचने के लिए जाता हूँ और ये बंदा एमिसन से नॉक कर देता है। और भाई दूर वाला बंदा मेरा किल लेना चाह रहा था, मेरे नीचे वाले बंदे मेरा किल लेना चाह रहे थे, मेरे को बचाने के लिए केवल एक जना था, मारने के लिए 3 जने थे। बट यहाँ पर ओपी खेलते हुए मेरा टीममेट भाई एक बंदे को नॉक करता है। अब देखो मेरी एचपी देखना, मेरी एचपी जिस हिसाब से जाएगी मेरा टीममेट मेरे को कैसे कवर देने आएगा। भाई अगर ऐसा टीममेट मिल जाए मैं मजाक से हट के मजा सा आ जाए भाई। वो जिगल देते देते जैसे तो आता है अभी दूसरा बंदा उसके टीममेट को रेव देने के लिए अंदर भागेगा। अब मैं केवल चिल्लाता हूँ भाई आ जा मेरे को रेव दे दे, मेरी एचपी देखो भाई ये पता नहीं कैसे तो बचाऊँ मैं इतनी सी एचपी पे। और ये भी मतलब हालत ख़राब थी कि सामने वाले रश ना कर दें। अब मैं फटाफट से मेरे को रेव दे ही रहा रहता है और जैसे ही मैं रेव हूँगा ना भाई एकदम उसी मोमेंट पर वो बंदा आएगा। अब सबसे पहले तो मैं अंदर भाग जाता हूँ और हील करता हूँ और मेरा टीममेट भाई मतलब दोनों को निपटा देता है। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही दोनों को निपटा दिया, मज़ा सा आ गया। मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ, बंदा बसता है 1 किल मेरे हो चुके हैं 11। मैं एकदम आराम से पेशेंस के साथ खेलते हो। अब हम इधर आ जाते हैं जोन में और ऊपर रहता है बंदा। मैं सोचता हूँ पहले कवर में चल जाऊँ इधर खड़ा हो जाऊँ फिर बंदे को देखेंगे क्या करना है। इतनी देर में तो मेरा टीममेट निपटा देता है बंदे को। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।